साथियों, यह रेड सैंड बोआ सांप है जो मुझे जंगल में मिला है। जंगल और खेतों में आते जाते यह सांप दिखाई दे जाता है। इस सांप के बारे में कई झूठी कहानियां भी हैं। स्थानीय भाषा में रेड सैंड बोआ को दो मुहा सांप कहा जाता है। दवाई से लेकर तांत्रिक विद्या में सांप का काफी इस्तेमाल होता है। इस कारण से इसकी स्मगलिंग बढ़ गई है। तस्कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में से 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच बेचते हैं। सरकार ने 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में इसे संरक्षित घोषित किया है। इसकी तस्करी करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। भारत में इस सांप का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। इस वजह से बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इसकी तस्करी होती है। वहीं मध्य एशिया के देशों में यह माना जाता है कि इसका मांस खाने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कुछ लोग इस सांप का इस्तेमाल शारीरिक और यौन शक्ति बढ़ाने के लिए भी करते हैं। हालांकि ये सब दावे हवा हवाई हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसकी तस्करी की दूसरी मुख्य वजह चीन में इससे सेक्स पावर बढ़ाने की दवा बनाने का दावा किया जाता है। इस सांप से कैंसर समेत कुछ बीमारियों के इलाज की बात भी चीन और इंडोनेशिया में होती है, जबकि साइंस में इसका कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए इस बेजुबान जीव को मार रहा है। रेतीली सतह पर रहने के कारण रेड सैंड बोआ का नाम सैंड सब से जुड़ा हुआ है। यह सांप ज़्यादातर रात में ही निकलता है। मोटे आकार के चलते ये थोड़े सुस्त चाल के होते हैं। खास बात यह है कि रेड सैंड बोआ कभी खुद अपना बिल नहीं बनाते। ये चूहों को उनके बिल में घुसकर खा जाते हैं और बिल पर कब्जा जमा लेते हैं। ये दूसरे सांपों को भी खा जाते हैं। इसमें जहर नहीं होता है। सैंड बोआ की खासियत यह है कि इसका पूंछ मुंह की तरह दिखता है, इसलिए इसे दो मुहा सांप भी कहते हैं। दो मुंह का मतलब ये नहीं कि इसके दो मुंह होते हैं। इसकी पूंछ की बनावट ऐसी होती है जो मुंह की तरह लगती है। वहीं खतरा देखने पर यह पूंछ को भी हवा में उठा लेते हैं। ये सांप बहुत ही शांत प्रवृत्ति के होते हैं और इनमें जहर भी नहीं होता है। ये आमतौर पर छोटे जानवरों जैसे चूहा, कीड़े आदि का शिकार करते हैं। भारत के अलावा ये पाकिस्तान और ईरान में भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इनकी तस्करी को देखते हुए भारत सरकार इनके संरक्षण के लिए हर संभव कदम उठा रही है। साथियों, यह करैत सांप है। यह मेरे घर में निकल आया था, जिसको मैंने सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। करैत कॉमन करैत या बंगारुस कायरोलियस सांपों की प्रजाति है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। यह भारत के सबसे खतरनाक सर्पों में गिना जाता है। ये सर्प ज़्यादातर रात में ही निकलते हैं। रात के समय जब आदमी सो रहे होते हैं तो ये बिस्तर में घुसकर चुपके से काट लेते हैं, और इनके दांत इतने पतले होते हैं कि सोते हुए आदमी को पता भी नहीं चलता और तब तक मृत्यु हो जाती है। इसके शिकार ज़्यादातर गाँव के लोग होते हैं। लोग गाँव में ज़मीन पर सो जाते हैं। यह खतरनाक होता है। करैत ठंडे खून का सांप है। गर्मी पाने के लिए इंसान के बिस्तर में घुस जाता है। करवट लेने के दौरान जैसे ही इंसान का शरीर सांप के संपर्क में आता है, सांप आदमी को डस लेता है। इसके डसने से कोबरा या वाइपर की तरह पीड़ित को तेज दर्द नहीं होता। सोते समय इंसान को डसने के चलते करैत ज़्यादातर पेट, सीना, गर्दन या फिर सिर पर हमला करता है। ऐसी स्थिति में कई बार सांप के शिकार व्यक्ति को नींद के दौरान पता नहीं चलता और उसकी मौत हो जाती है। ग्रामीण इलाके में बारिश के दौरान उमस बढ़ने से ऐसे सांपों का खतरा बढ़ जाता है। यह एक बाइट से इतना जहर इंजेक्ट करता है जिससे 40 लोगों की भी मौत हो सकती है। काले सलेटी लाल पीले कलर के सांप के शरीर पर गोल पट्टियां होती हैं। दिन के उजाले में घरों के अंधेरे में कोने ईंटों लकड़ियों के ढेर में छुप जाते हैं। करैत मुख्य रूप से अपने छोटे सांप, चूहों और मेढकों का शिकार करता है और रात के अंधेरे में शिकार पर निकलता है। साथियों, यह अजगर का छोटा बच्चा है। ये कई बार घरों में निकल आते हैं। वयस्क होने पर अजगर एक विशाल सर्प बन जाता है, परंतु यह एक विषहीन सर्प प्रजाति है जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। वयस्क अजगर छोटे से लेकर बड़े जानवरों को अपना शिकार बना लेते हैं। दुनिया भर में सांपों की कई जहरीली प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें बेहद खतरनाक माना जाता है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में सांपों की लगभग 3000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 10% सांप ही जहरीले होते हैं। पूरी दुनिया में 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य सांपों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ये सभी सांप मुझे घरों में और रास्ते में आते जाते मिल जाते हैं।
और मैं इनको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता हूँ। जंगलों के ख़त्म होने से और खेती में मकान कॉलोनी बनने से इनके आवास ख़त्म होते जा रहे हैं। अपने भोजन की तलाश में ये घरों तक आ जाते हैं। किसी को भी सांप को मारना नहीं चाहिए, ये जंगल के जीव हैं। सांपों को मारना बहुत आसान काम है, कठिन काम है किसी की जान बचाना। तो दोस्तों, किसी की जान बचे ऐसा कठिन काम करने की कोशिश करनी चाहिए और इनको सुरक्षित जंगल में छोड़ देना चाहिए। अगर कभी सांप काट ले तो इसका एकमात्र उपाय एंटी वेनम इंजेक्शन है। जल्दी से जल्दी पास के बड़े हॉस्पिटल जाकर इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगर हाथ या पैर पर सांप ने काटा है तो काटे हुए स्थान के ऊपर 2-3 जगह रूमाल या किसी पतली रस्सी से बांध देना चाहिए। हॉस्पिटल जाने से अगर पहले संभव हो सके तो किसी नए ब्लेड से या चाकू को गर्म करके उसको एंटीसेप्टिक बनाकर काटे हुए स्थान पर 2-3 छोटे कट लगाकर डिस्पोजल सिरिंज से 2-4 बार खून को बाहर खींचना चाहिए। और जिस हॉस्पिटल में सांप का विषरोधी इंजेक्शन मौजूद हो वहाँ जल्दी से जल्दी मरीज को लेकर पहुँच जाना चाहिए। कभी भी किसी देसी दवाई और देसी वैद्य के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि एंटी वेनम डोज ही जहरीले सांप के काटने का इलाज है। अगर समय पर इंजेक्शन नहीं मिलता तो 1-2 घंटे के अंदर आदमी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, यह कोबरा का बच्चा है। यह घर में निकल आया था, फिर मैंने इसको सुरक्षित रूप से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। यह अभी बच्चा है पर इसमें इतना जहर है कि यह एक बड़े हाथी की जान ले सकता है। कोबरा भारत के जहरीले सांपों में से एक है। ये चूहों, छिपकली और मेढक की तलाश में घरों तक आ जाते हैं। साथियों, उम्मीद है कि आपको सांपों की ये जानकारी पसंद आएगी। आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल संदीप कटारा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का कष्ट करें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।